आई एम बैक। व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो सब जन? मैं बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक रहेगा। आज मेरा एक ब्लॉग दोपहर का, मैं भी 12-1 बज गए और मुझे जाना करामा ऐसे ही घूमने के लिए, क्योंकि घर में बैठ बैठ के बहुत बोर हो चुका था, इसलिए जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि कुछ करने का था नहीं ना, तो मैंने बोला चलो घूम के आते, थोड़ा सा कुछ करके आते। ये क्यों नहीं चला, कुछ घूम के आते बोल गए, फिर निकल जाते हैं, फिर यहाँ से मेट्रो लेंगे, मेट्रो से फिर लेंगे, देखते हैं। आज मुझे भी नहीं पता मुझे आज क्या करने का क्या नहीं, मेरा कुछ प्लान नहीं है आज। आज सिर्फ घूमने का, तो मैं आज सिर्फ बैग वैग कुछ नहीं लिया, ये क्या बोलते हो गिम्बल भी नहीं लिया, मैं सिर्फ आज हाथ से ही रिकॉर्डिंग करूँगा और जस्ट घूमते रहूँगा कि मैं आज क्या क्या करूँगा बोल के, मुझे भी नहीं पता, देखते क्या कर सकते आज। बहुत तगड़ी है, जब आया था ना उसी टाइम गर्मी का टेम्परेचर देख के आया था। आज का टेम्परेचर क्या है बोले तो 36 है, ज़्यादा भी नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है गर्मी, बट हम लोग ले ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने आज पैंट जैसे पैंट पहन ला और एक एक नॉर्मल से टी शर्ट पहन लिया, तो नहीं तो मैं हमेशा मैं तो निकर नहीं पहनता रहता हूँ, क्योंकि इस कम्फर्टेबल रहते हैं निकर, क्या है ना गर्मी भी नहीं लगता तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो पहन के है ना साला पूरा इरिटेशन हो जाता है वो, मैं तो पगला जाता हूँ गर्मी से। तो चलो देखते पहले मेट्रो लेते, फिर मेट्रो से करामा, करामा में 2-3 जगह प्लेस है वो एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद जाएंगे बाकी क्या एक्सप्लोर करने मुझे नहीं पता, बट हाँ एक जगह करने का वो वहाँ पर जाते, मेरा फ़ोन का 2-3 आइटम भी वहाँ से ले लेता है। अभी हम मेट्रो के पास आ गया और ज़्यादा करो मैं शूट नहीं कर सकता, क्योंकि दुबई में बहुत ऐसा बहुत जगह है कि तुम उधर ओपन कैमरा शूट नहीं कर सकता। एक उसमें मेट्रो स्टेशन भी लगता है कि तुम मेट्रो स्टेशन में कभी भी तुम शूट नहीं कर सकते वीडियो, यदि कोई पुलिस वाले देखे जाए तुमको फाइन है 50,000। तो कभी भी तुम शूट करना है तो आसपास पब्लिक को देख लेना, कोई आदमी है या नहीं है, उस चीज़ को भी देखो, बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए। तो ऐसा नहीं कि इंडिया नेपाल और कोई भी कंट्री नहीं कि तो ओपन ही तो आपने कैमरा निकाला तो शूट करने चालू कर दिया, ये चीज़ में बहुत ध्यान देना पड़ता है। दुबई में ब्लॉगिंग करना इतना आसानी नहीं है, तुम होम ब्लॉगिंग कर सकते हो, तो घर के अंदर कर सकते हो, यदि घर के बाहर का तो ब्लॉग करने शुरू करेगा ना तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, तो बहुत चीज़ में ध्यान देना पड़ता है और सोच समझ के ब्लॉगिंग करना पड़ता है। तो ये है दुबई का रूल, कड़क रूल है। अभी मेट्रो से निकल गया, मेट्रो से निकलने के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट किया उधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो गर्मी से बचने के लिए थोड़ा रेस्ट इन द बेस्ट बोलते हैं ना। अभी 2 बज चुका अभी का, अभी भी गर्मी उतनी है, उतनी ही कम नहीं हुआ। तो अभी मैं जा रहा हूँ करामा सेंटर। करामा सेंटर में ऐसे है क्या बोले तो कुछ ऐसे है नहीं, पर उधर बहुत सारा बड़े बड़े ब्रांड का कपड़े मिल सकते हैं, बट उधर मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, बट मैं ऐसे एक राउंड मारता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे मिलता है वहाँ पर। 2 मिनट वहाँ से यहाँ तक चलने में हालत हो गए ख़राब, और तो बाकी है चलने में, और यार क्या है ये कुछ भी नहीं है, गर्मी है। छाँव ये रहा करामा सेंटर, ये एक बिल्डिंग 2 बिल्डिंग, इसमें तुमको गोल्ड और हर एक चीज़ मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएगा, एवरीथिंग इस साइड मिल जाएगा, जूते वगैरह सब मिल जाएगा। और बाकी जो ये है इसमें तुमको वहाँ पर क्या मिलेगा बोले तो आईफोन का चार्जर वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना सब का सब उधर मिल जाएगा, बहुत सस्ते दाम में मिलते हैं। तो देखते हैं अंदर मैं आईफोन के लिए क्या क्या कर ले सकता, मुझे तो चाहिए तो एक चीज़ था ऐसा, वो तो देखता हूँ अंदर मिलता है या नहीं। कितने का मिलता है? 10-15 मिनट उधर घूमूंगा, 10-15 मिनट उधर, उसके बाद जाऊँगा कैलिफोर, नहीं कैलिफोर नहीं जाऊँगा, वो देखता है कैलिफोर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अभी वो हाईवे रोड है और ये आगे जो दिखाई दिया ना वो फ्रेम दुबई फ्रेम, वो है दुबई फ्रेम, निकल के और इस बिल्डिंग में जाने वाला, बट इस बिल्डिंग में और फाइनली यहाँ से तो निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे मैं अपने दोस्तों को मिलने के लिए उनका रूम पर, रूम बहुत छोटा है बट इसलिए मुझे जाने की इच्छा तो था नहीं, और ऑलरेडी उधर सब जन है तो मुझे अकेले यहाँ पर घूम के कुछ फायदा नहीं, तो उधर जा रहा हूँ मैं। जाने के बाद जब तक थोड़ा धूप कम नहीं होता तब तक निकलूँगा नहीं, मैं भी शाम का 7-8 बज जाएगा वहाँ पर,
तो वही सोच रहा हूँ। इस हमारा आगे है, ये साइड है लुलू, और ये पूरा है एरिया जो है ना पूरा करामा। ये जो पार्किंग है ये करामा का पार्किंग है, और यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या है ना, मस्त आइटम दिखाई देता है, वो है धुएं फ्रेम। बहुत अच्छा लगता है धुएं फ्रेम, और रात को जो लाइटिंग वगैरह रहते हैं उसका अलग ही एक नशा रहता है। और ठीक है, यहाँ से जाएंगे पार्क, पार्क से लेफ्ट साइड के बिल्डिंग में दोस्त का बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग अंदर जाएंगे और थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। ये गर्मी से तो वाट लग गया है, इतना गर्मी दुबई में, अभी गर्मी कम नहीं हो रहा है, तो मैं तो अंदर से पूरा थक चुका हूँ चल चल के। चलो यार अब थोड़ा बैठा जाए और कुछ ठंडा पिया जाए, लुलू से कुछ खरीद लेता हूँ ठंडा, कोक वगैरह पहना हुआ है। और ऐसा लग रहा है साला बॉडी चटक रहा है, जो होता है ना धूप में चटक 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 करना है, इस तरह हो रहा है। हम लोग मैं और मेरा दोस्त आ गए बढ़ दुबई, क्योंकि बहुत घूमने के बाद ये सब करने के बाद फाइनली फोटो, हाँ फोटो शूट थोड़ा सा करवाया। इसे पागल ने किसी का मुंडी अलग कर दिया, किसी टांग अलग कर दिया, किसी का बॉडी का आधा पार्ट अलग कर दिया। ये लड़की को फोटो खींचने आता सच्ची में, नहीं नहीं नहीं। और चलो आज की वीडियो यहीं तक, इतना लंबा आज के वीडियो यहाँ तक, इससे लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकता, तो ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो, कल एक मेरा वीडियो आने वाला है। आई होप गाइस इंजॉय करते होगे मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। हम लोग का खाना आ गया, अभी थकाली चिकन, थकाली रोटी एंड मोमो चाउमीन नूडल्स। और मैडम तुम्हारे लिए क्या, ये मिर्ची।